नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ सिगरौली के एक उभरते हुए कलाकार सिंगर प्रदीप कारपेंटर जी हैं, तो आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम भैया, आप सभी को, छोटे को प्यार, बड़े को प्रणाम। और आप एक उभरते हुए कलाकार हैं, तो किन भाषाओं को लेकर के आप संगीत की दुनिया में कदम रख रहे हैं? देखिए, हम तो सबसे मतलब पहले भोजपुरी गाना गाते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। और हमारी जो भाषा है बघेली, तो इस समय काफ़ी बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत ही अच्छा उस भाषा का रिस्पांस मिला है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं यही सोचूंगा कि अपनी भाषा में कई गाना निकालें, लोकगीत जो दर्शक को बहुत ही अच्छा लगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी बघेली भाषा सुनिए और भोजपुरी सुनिए। जो भोजपुरी से मैं भाषा मतलब सुन के ये काम करने के लिए मैं प्रेरित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी में तो अश्लीलता काफ़ी बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है, जिस चीज़ को लेकर के कई सवाल लोग के द्वारा उठाए जाते हैं लगातार। और अगर बघेली की बात करते हैं तो बघेली की अपनी एक मर्यादा है, हालांकि हर भाषा की एक मर्यादा होती है, कलाकारों के द्वारा उस मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है तो अश्लीलता समाहित हो जाती है। बघेली को लेकर के ऐसी चीज़ें नहीं है अभी तक, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? बघेली तो मैं बहुत पहले से, मैं देखिए मेरी जन्मभूमि जो है बघेलखंड में हुई है जी, और बहुत ही अच्छा हमको भाषा लगती है क्योंकि अपने माँ से मैं सीखा हूँ जी, और आज ही मैं रोज बघेली बोलता हूँ और जो सबको अच्छा लगता है जी, अपनी जो भाषा है बहुत ही अच्छी लगती है। और कोई भोजपुरी गाना जो आपने गाया हुआ हो दर्शकों को, जो सुनाना चाहते हो तो सुनाएं आज? सुना देंगे जी। और अभी एक मेरा फिलहाल अब गाना आने वाला है, एक बघेली में है जी, तो उसको मैं सुना रहा हूँ जी। बिल्कुल। अजहनै न समझै केहू का दीदार जन करिहा, सिंगरौली जिला के लड़िकन से हा प्यार जन करिहा। ये गाना आने वाला है बहुत जल्द जी। और एक बघेली में गाना आ रहा है जी, जो हम यही सोचेंगे कि उस गाने को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है जी। गाना ऐसा है, रोज रोज लड़िकन का या पागल बनावा थी, ए भैया फेक आईडी चलावा थी जी। तो ये बघेली में गाना है। हाँ हाँ। और लगातार आपके द्वारा बघेली और भोजपुरी दोनों को साथ साथ लेकर के काम किया जा रहा है। हाँ भैया, आगे आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं इस क्षेत्र को लेकर के, आपके खुद की संगीत के प्रतिभा को लेकर के? मैं यही बोलूँगा, देखिए क्या है कि मैं जो ये काम करने वाला हूँ, देखिए मेरा बचपन से मेरी रुचि थी कि मैं कहीं भी स्कूल में अगर कहीं पढ़ता था तो नाटक कहानियाँ मतलब ये मैं बहुत ही करता था और अच्छा लगता था। देखिए मैं कुछ भी आज तक हूँ आप लोग के प्यार आशीर्वाद से, मैं जो कर रहा हूँ तो आप लोग सबके प्यार आशीर्वाद से कर रहा हूँ भाई, और यही है सर। संगीत के क्षेत्र में कभी आपको ऐसा लगा हो कि शायद मुझे नहीं गाना चाहिए, संघर्ष की वजह से, समस्याओं की वजह से, तो कुछ ऐसा अनुभव हो तो बताएं? नहीं नहीं, वैसे तो देखिए कहा है कि हमको ऐसा बहुत लगा जी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ तो हमारे घर वाले जो हैं परिवार में तो ऐसा मतलब कहा है कि बहुत उधर से रुकाव है कि अभी ये मत करो, पढ़ाई करो, पर कहा है कि मैं देखिए मेरा ये रुच हो गई है, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं, वही हाल है। तो मैं यही कर रहा हूँ और घर से बहुत ही तनाव है, कहीं भी जाता हूँ स्टेज से कोई प्रोग्राम करने तो पिताजी हमारे हैं, उनसे मैं पूछ के जाता हूँ कहीं भी तो बोल देते हैं जाओ। चलिए, लगातार गाना गाते रहिए, गायकी करते रहिए, एक मुकाम ऐसा आएगा कि जब लोग खुद ही बोलेंगे कि वाह क्या बात है। संघर्ष के दिनों में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन संघर्ष जितना लंबा होता है सफलता उतनी ही टिकाऊ होती है। संघर्ष करते रहिए, हम उम्मीद करते हैं, हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मुकाम आपको मिलने वाला है। और अंत में दर्शकों को आप कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं गाना सुनाने वाला हूँ, जो मेरा एक गाना आया था जी, ओ मैं उसको स्वयं लिखा था। देखिए मैं राइटर गाना भी लिखता हूँ, और गाना था, हो सैया महनी हमर बात मई हर नगरिया घुमाई दी, हो सैया महनी हमर बात मई हर नगरिया घुमाई दी, माई के मंदिर जाई के
नरियर चुनरिया चढ़ाई दी सैया महनी हमर बात मई हर नगरिया घुमाई दी। बहुत सुंदर आपने हमसे बात की, द खबरदार न्यूज इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं यही बोलूँगा कि आज हमारे भाई अनूप जी टाइम निकाल के द खबरदार न्यूज के तरफ से हमको आज यहाँ हमसे कुछ पूछने के लिए और बातचीत करने के लिए हमको यहाँ बैठा है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद अनूप भैया। द खबरदार न्यूज़ से आप जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहें हमको भी और हमारे अनूप भाई को। द खबरदार न्यूज आप देख रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हो, जय भगेली। तो ये हमारे साथ उभरते हुए कलाकार प्रदीप कारपेंटर जी थे। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।